हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम बना रहे हैं मसालेदार दम अरबी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो प्लीज़ आप इन तक वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हम आपके लिए इसी तरह नई नई रेसिपी लेकर आते रहेंगे। तो चलिए बनाते हैं अरबी की इस नई रेसिपी को। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है 1/2 kg अरबी। इसे अच्छी तरह से धोकर मैंने साफ़ कर लिया है और इसे उबलने के लिए गैस पर थोड़ा सा पानी और आधा चम्मच नमक डालकर ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। अरबी हमारा बहुत ही जल्दी उबल जाता है, तो इसे उबलने के बाद हम पानी से निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने पर इसका छिलका उतार देंगे। इसे हम इस तरीके से गोल गोल काट लिए हैं। आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो अब हम यहाँ डाल रहे हैं इसमें 2 टेबल स्पून बेसन, आधा टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून तीखा लाल, आधा टेबल स्पून नमक। तीखा लाल आप अगर नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालें। इसके बदले आप थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने लिया है यहाँ प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर, थोड़ा सा बेसन, दही, दालचीनी, जीरा, सौंफ, गोलमरीच, लौंग, इलायची, सौंफ। प्याज और टमाटर को हम कढ़ाई में 2-3 टेबल स्पून तेल डालकर थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ मैंने लिया है 3 तेज़पत्ता और 2 लाल मिर्च, 3 हरी मिर्च लिया है, लहसुन, गरम मसाला, प्याज और टमाटर। सभी चीज़ों को हम एक ही साथ सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे। ये अरबी की सब्ज़ी मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाई है और बहुत ही जल्दी हमारा सब्ज़ी बनकर तैयार हो गया है। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर अरबी की सब्ज़ी को ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो अरबी में जो मैंने बेसन मिलाकर रखा था उन सभी को मैं लोहे के कढ़ाई में अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। अरबी को हमें डीप फ्राई करना है, तो यहाँ मैंने सरसों तेल में अरबी को फ्राई कर लिया है। इसी तरीके से हमें सारे अरबी को डालकर फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से इसका जो चिपचिपापन रहता है वो आपको ग्रेवी में डालने के बाद नहीं लगेगा। तो आप सारे अरबी को इसी तरीके से फ्राई कर लें। प्याज हमारा अब सॉफ्ट हो गया है, इसे हम ठंडा होने के लिए एक बर्तन में निकाल लेंगे। जब ये ठंडा होगा तो हम इसे मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ मैंने डाला है 10-12 चिनिया बादाम। आप इसकी जगह 4 काजू भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को मैंने मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लिया है। अब मैं ग्रेवी के लिए कढ़ाई में, जिस कढ़ाई में मैंने प्याज डाला था उसी कढ़ाई में मैं ग्रेवी के लिए सरसों तेल डाला है, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सरसों। यहाँ मैंने काला सरसों लिया है, काला सरसों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप प्लीज़ काला सरसों ही डालें। अगर नहीं है आपके पास तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। जीरा, सरसों और तेज़पत्ता मैंने डाल दिया है। मसाला मैंने मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लिया था, तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच तीखा लाल। अब मैं इसमें सारे ग्राइंड किए हुए मसाला को डाल लूँगी और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं लगातार चलाते रहूँगी। मसाला जब हमारा भुन जाएगा तो ये नीचे चिपकने लगेगा और साइड से ये तेल भी छोड़ देगा। मसाला हमारा भुन गया है, अब हम डाल रहे हैं इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच दही। दही के बदले आप मलाई यूज कर सकते हैं। दही डालने से सब्जी का कलर बहुत ही मज़ेदार आता है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, तो आप दही या मलाई कुछ भी ज़रूर डालें सब्ज़ी में। मसाला भुनने के बाद मैंने यहाँ पानी डाला,
पानी हमारा खौल गया है, अब मैं सारे फ्राई किए हुए अरबी को डाल लूँगी और गैस का फ्लेम अब मैं बंद कर दूँगी। अरबी को ज़्यादा देर तक तो हमारा मज़ेदार अरबी का सब्जी बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।